तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं WCC 3 के न्यू अपडेट के बारे में, कि उस अपडेट में क्या क्या नया फ्यूचर आया है। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस नए अपडेट में अगर हम बात करें तो बहुत सारे नए नए फ्यूचर ऐड हुए हैं, और ये मुझे लगता है WCC 3 का बस लास्ट अपडेट था। इससे के बाद तो अब हमें WCC 4 ही देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस गेम का फुल गेम प्ले दिखाऊं और मॉड APK भी दिखाऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि मैं बस कुछ ही दिनों में मॉड APK लेकर आऊँगा और आपका इसको फुल रिव्यू भी करूँगा। तो अगर आपने इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस दिया तो मैं अगला भाग भी इसका जरूर लेकर आऊँगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस अपडेट में क्या क्या आया है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन की ओर। तो मैं अपनी आ चुका हूँ मोबाइल स्क्रीन की ओर, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको पहले प्ले स्टोर पर लेकर चलता हूँ। प्ले स्टोर पर मैं सर्च करता हूँ WCC 3। WCC 3 जब आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में अगर आप बात कर रहे होंगे कि इन्होंने तो इसे इंस्टॉल नहीं किया, मेरे पास पहले ये इंस्टॉल था, लेकिन मैंने जब भी अपडेट आया तो तभी इसको अनइंस्टॉल कर दिया। तो पहले जो अपडेट था वो लगभग 455 MB का था, तो मैंने इसे दोबारा से इंस्टॉल करना चाहा तो ये आप देख सकते हैं 687 MB की फाइल बनकर आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि इससे मुझे थोड़ा सा लाभ जरूर होगा, और इससे आपको दोबारा से मोड APK भी आसानी से ये हैक भी हो सकती है। इसीलिए आपको क्या करना होगा, आप इसे दोबारा से अनइंस्टॉल कर अनइंस्टॉल कर दोबारा से इंस्टॉल जरूर करना। इससे क्या होगा कि मोड APK आसानी से आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस न्यू अपडेट में क्या क्या आया है। अगर हम देखें कि इस न्यू अपडेट में आया है, इस न्यू अपडेट ये आज ही रिलीज हुआ, ये देख सकते हैं अपडेट ऑन 3 फरवरी। तो इसमें हमें डिफिकल्ट लेवल देखने को मिल जाता है, और ये ई स्पोर्ट्स की लॉबी देखने को मिल जाती है। ई स्पोर्ट्स लॉबी की जो हम बात करते थे, अभी ई स्पोर्ट्स लॉबी आए तो वो भी इन्होंने अभी ई स्पोर्ट्स लॉबी का फ्यूचर भी ऐड कर दिया। होस्ट टूर्नामेंट ज्वाइन फॉर फ्री, आप टूर्नामेंट भी इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और जो एक करियर मोड में श्रीलंका प्रीमियर लीग इंट्रोड्यूस की है इन्होंने, और उसमें एक मैच हाईलाइट कर फुल कैमरा कंट्रोल प्लस वीडियोस ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये भी एक बढ़िया फीचर उन्होंने ऐड कर दिया है। अगर हम बात करें इनके चैलेंज मोड में, तो उन्होंने ये 2 गुना फास्टर किट अनलॉक 1 महीने में जो फ्री कर सकते हैं, वो चैलेंज फ्रेंड का भी कर दिया है। इन्होंने 7 न्यू बॉलिंग एक्शन और न्यू एनिमेशन भी इस गेम में ऐड कर दिए हैं। और अगर हम बात करें अगले अपडेट की, तो इन्होंने किट ड्रॉप आफ्टर फर्स्ट गेम ऑफ द डे, तो यहाँ पर आप किट ड्रॉप कर सकते हैं अपनी फर्स्ट गेम में ही, चाहे वो जीते चाहे वो हारे। अगर हम बात करें अगले अपडेट की, तो इन्होंने जो हम डेली कॉइन क्लेम करते हैं उनमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल चुकी है। अगर हम बात करें अगले अपडेट की, जो लास्ट है उसका है बेस डिफिकल्टी एजिट, उन्होंने बेस डिफिकल्ट कर दिया है और अदर बग भी फिक्स कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी अपडेट का फुल रिव्यू आपको दिखाऊं, तो पहले मेरे इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं आपको जरूर से जरूर अपडेट का फुल रिव्यू कर दिखाऊंगा, और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बता देना अगर आप चाहते हैं तो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना।